24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की सराहना करते हुए अमेरिका के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट नाम की थिंक टैंक ने कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अब सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह ठोस तरीके से काम करे और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके। चुनाव के प्रचार के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के देवरिया में विजय माल्या के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सोचिए एक भ्रष्टाचारी बैंक से और सरकार में बैठे हुए लोगों की मदद से हमारे देश के गरीबों का 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भागा था। उस भगोरे ने जितना पैसा लेके भागा था उससे 1.25 गुना ज्यादा वसूली कर संपत्ति जब्त कर ली है। अयोध्या में भगवान श्री राम के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए 28.284 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जाएगी। इसके लिए अयोध्या के डीएम अनुज झा ने जमीन चिन्हित कर इसका प्रस्ताव पर्यटन विभाग को भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज कहा है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो जम्मू कश्मीर को विशेष शक्तियां देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, वह झूठो लॉजी का मास्टर हो गए हैं और इसलिए देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली वासियों से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि उन लोगों को वोट दें जिन्होंने काम किया है, न कि उनको जो नफरत और जहर फैला रहे हैं। लगातार प्राकृतिक आपदा झेल रहे उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि राज्य की बुनियादी ढांचों को नुकसान को देखते हुए उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सहयोगी एलजेपी के प्रमुख रामविलास पासवान ने आज राजस्थान के अलवर में हुए दुर्व्यवहार मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार पर इस घटना को छिपाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित बेरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह समेत 5 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बगैर अनुमति सभा करने और मतदाताओं को प्रलोभन देकर टी शर्ट वितरण करने के मामले में चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने मदर्स डे पर अपनी मां रावड़ी देवी के लिए अपनी भावना का इजहार करते हुए कहा कि मां के लिए क्या शेर लिखूं, मां ने मुझे खुद शेर बना दिया। मध्य प्रदेश के भिंड में आज मतदान के दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यहां के सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को स्थानीय सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी कांग्रेस और बीएसपी प्रत्याशियों को एक सर्किट हाउस में नजरबंद किया गया था। अपने दबंग तेवर के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले जोधपुर के ओसिया के कांग्रेसी विधायक दिव्या मदेरना को लेकर सोशल मीडिया पर गुमशुदा की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उसके गुमशुदा होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि दिव्या मदेरना भंवरी देवी मामले के आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरना की पुत्री है। अस्थायी तौर पर बंद हो चुकी आर्थिक संकट से जूझ रहे कंपनी जेट एयरवेज के अधिग्रहण के लिए खाड़ी देश की एतिहाद एयरवेज ने वित्तीय बोली जमा करा दी है। इसके अलावा कुछ बिना आमंत्रण वाले पक्षों से वित्तीय बोलियां भी मिली है, जिससे एक बार फिर से जेट एयरवेज के संकट से उबरने की बात कही जा रही है। नगर विमानन मंत्रालय ने कर्ज में डूबे सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया से वित्त वर्ष 2018-19 का लेखा जोखा तैयार करने को कहा है। इसके लिए एयर इंडिया को जून के अंत तक का समय दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर किए गए एक शोध में पाया गया है कि शहर में हरित आवरण बढ़ने से विशेष रूप से पेड़ पौधों के साथ उचित यातायात और सड़क प्रबंधन से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। 23 मार्च को शुरू हुए इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन का फाइनल मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा।
पॉलिटिक्स में शामिल होने को लेकर फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा है कि राजनीति में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे पॉलिटिक्स में शामिल होने का होता तो मैं कब का हो गया होता। मदर्स डे पर कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने अपनी बेटी को लेकर कहा है कि मेरी बेटी सभी मुश्किलों से खुद ही निपटने में सक्षम है, उसे उनकी जर्नी में किसी ने सहायता नहीं किया है, उसे सच्चाई, ईमानदारी और खुद पर निर्भर रहने की खासियत जैसे गुण मुझसे विरासत में मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छठे चरण के तहत लोगों से बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि छठे चरण में जिन मतदाताओं के संसदीय क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं उन सभी मतदाताओं से मतदान करने का आग्रह करता हूं और मुझे उम्मीद है कि युवा मतदाता रिकॉर्ड संख्या में मतदान करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में मतदान करने के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव में बेरोजगारी, किसानों की परेशानी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है और नरेंद्र मोदी नफरत का प्रचार कर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण में सुबह 9 बजे तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में 8.61%, पूर्वी दिल्ली में 8.31%, नई दिल्ली में 6.48%, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 8%, पश्चिमी दिल्ली में 8.33%, दक्षिणी दिल्ली में 7.05% और चांदनी चौक में 6.90% दिल्ली में ओवरऑल 7.67% मतदान हुआ है। राष्ट्रपति भवन के पोलिंग बूथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठे चरण के तहत अपना बहुमूल्य वोट डाला। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने न्याय योजना के जरिए गरीबी मिटाने संबंधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वादे पर तंज कसते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दिनों से गरीबी खत्म करने के नाम पर कांग्रेस देशवासियों को मूर्ख बना रही है। बेंच फिक्सिंग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के वकील उत्सव बैंक की ओर से दायर याचिका की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.के. पटनायक ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच तय करने और कोर्ट के खिलाफ बड़ी साजिश का दावा किया था। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा आज अपना मतदान करने के बाद लोगों से वोट करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने देश के हित में वोट किया है। उन्होंने कहा कि जब मतदान करेंगे तो हम सब जगह यह संदेश दे सकेंगे कि आज का दिन मतदान हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए और यह हमारा अधिकार है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गर्मजोशी के साथ एक और मील का पत्थर पार करते हुए ट्विटर पर 1,10,00,000 से ज्यादा फॉलोवर को अपने साथ जोड़ लिया है। इसी के साथ भाजपा कांग्रेस से फॉलोवर्स मामले में दोगुनी हो गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विदेश मंत्री ने स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विदेशी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए भारत के सरकारी एवं निजी संस्थानों में दाखिले के लिए प्रेरित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के सुल्तानपुर में भी आज वोटिंग जारी है। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी और गठबंधन से बीएसपी के प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह के बीच उनकी दबंगई को लेकर बहसबाजी हुई। इस दौरान मेनका ने सोनू सिंह वोटरों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दबंगई नहीं चलेगी। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर ने आज अपना वोट डालने के बाद लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि मैंने अपना काम पूरा किया, अब आपकी बारी है। यूपी के प्रतापगढ़ में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी को प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए नजरबंद कर दिया है और अब वह सिर्फ मतदान के लिए घर से बाहर निकल सकेंगे। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने छठे चरण के तहत लोगों से वोट करने की अपील करते हुए कहा कि मतदान राष्ट्र निर्माण के प्रति आपका अधिकार और जिम्मेदारी है, इसीलिए जाइए और वोट डालिए। छठे चरण के तहत पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से अप्रिय घटना घटी है। आज हो रहे मतदान के पहले ही एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया है। एनसीबी ने यूपी पुलिस के एक एसपी के मकान पर छापा मारकर 1800 किलो ड्रग्स बरामद किया है जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए की आंकी गई है। इसको लेकर एनसीबी ने दावा किया है कि देश में पकड़ी गई ड्रग्स की यह अब तक की सबसे बड़ी खेप है।
गुरदासपुर में बेटे सनी देओल के लिए प्रचार करते हुए अभिनेता धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हम नेता नहीं सेवक बनकर लोगों की सेवा करने आए हैं, लेकिन अगर पहले पता होता कि सनी के खिलाफ बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ चुनाव लड़ रहे हैं तो शायद हम मना कर देते। आपको बता दें कि दिग्गज कांग्रेस नेता रहे बलराम जाखड़ व अभिनेता धर्मेंद्र के बहुत मधुर संबंध रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि रोहतक से उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा और सोनीपत से वह खुद बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस कड़ी टक्कर में है और बेहतर प्रदर्शन करेगी। यूपी के मछली शहर संसदीय क्षेत्र के कबूलपुर पोलिंग बूथ में सुबह से ईवीएम खराब होने से मतदान नहीं हो सका है, जबकि वोट देने के लिए लाइन में लगी मुस्लिम महिलाओं प्रशासन पर उन्हें वोट देने से रोकने का आरोप लगाया गया है। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया कंपनी द्वारा यूजर्स की निजी जानकारियों के दुरुपयोग पर उठ रही चिंताओं के मद्देनजर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी कंपनी कभी भी अपने यूजर्स की निजी जानकारियां तीसरे पक्ष को नहीं बेचेगी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत आज हरियाणा के सभी 10 सीटों पर मतदान जारी है, जिसको लेकर जानकारों की माने तो यह चुनाव प्रदेश की खट्टर सरकार के लिए सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि उनका कार्यकाल इस साल अक्टूबर में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 10 नई वैकेंसीज के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इसीलिए इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए और इस पर अमल कीजिए। हो सकता है आपको इनमें से कोई नौकरी मिल जाए। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है नेरी में। यहाँ पदों की संख्या 10 है। पद का नाम है जेट असिस्टेंट लेवल 2। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 22 मई 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से MSc डिग्री होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 30 होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.neri.res.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप नेरी में भी नहीं जाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लाए हैं। इसे गौर से देखिए और इस पर अमल कीजिए। संस्थान का नाम है एम्स मंगलागिरी। पदों की संख्या है 18। पद का नाम है लोअर डिविजन क्लर्क 1। पद स्टेनोग्राफर 1। पद नर्सिंग ऑफिसर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 18 जून 2019। आवश्यक योग्यता लोअर डिविजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी से 12वीं कक्षा पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.aimsmangalagiri.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। स्थान का नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। पद का नाम है जनरल ड्यूटी SSA। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 24 मई 2019। आवश्यक योग्यता है जनरल ड्यूटी SSA। वैसे उम्मीदवार जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 60% अंकों के साथ बैचलर डिग्री हो वे आवेदन के योग्य है। मासिक आय 25,000 से 40,000 के मध्य। आवेदन करने के लिए आप www.joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखें आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। संस्थान का नाम है सेंट्रल रेलवे। पदों की संख्या है 42। पद का नाम है स्टाफ नर्स ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है वॉक इन इंटरव्यू की तिथि 27 मई 2019 और 28 मई 2019। स्थान योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि एवं समय पर रिक्रूटमेंट सेक्शन सेंट्रल रेलवे पर्सनल ब्रांच डिविजन बिल्डिंग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई 400001 के पते पर इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। आवश्यक योग्यता स्टाफ नर्स एवं मिडवाइफरी के रूप में पंजीकृत होने के साथ जनरल नर्सिंग में 3 वर्ष का कोर्स होना चाहिए। संस्थान का नाम है एरकॉन। पदों की संख्या है 8। पद का नाम है विभिन्न पद। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 14 मई 2019 और सर्वे इंजीनियर के लिए वॉक इन इंटरव्यू 15 मई 2019। आवश्यक योग्यता है सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल, कम से कम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सर्वे में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए सिविल इंजीनियर पदों के लिए उम्मीदवार 14 मई 2019 तक अपना आवेदन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस लिमिटेड के पते पर भेजकर आवेदन कर सकते हैं।
अगर आपको यह नौकरी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरी नौकरी है जो वो है भारतीय खनि विद्यापीठ ISM धनबाद। संस्थान का नाम है भारतीय खनि विद्यापीठ ISM धनबाद। पदों की संख्या है 8, पद का नाम है लाइब्रेरी ट्रेनी। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 14 जून 2019। आवश्यक योग्यता है लाइब्रेरी एवं इन्फॉर्मेशन साइंस में प्रथम श्रेणी से मास्टर डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 30 होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप 14 जून 2019 तक अपना आवेदन PIC लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ISM धनबाद 826004 के पते पर भेज कर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लाए हैं, वह है इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस। जी हाँ, अगर आप ITBP ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और उस पर अमल कीजिए। संस्थान का नाम है इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस। पदों की संख्या है 121। पद का नाम है स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप सी के तहत अस्थायी आधार पर कांस्टेबल भर्ती। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 21 जून 2019। आवश्यक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष, खिलाड़ी जिन्होंने प्रतियोगिता के स्तर पर पदक जीते हैं। आवेदक की आयु 18 से 23 होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लाए हैं, वह है EDII गांधीनगर में। जी हाँ, अगर आप EDII ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और उस पर अमल कीजिए। संस्थान का नाम है EDII गांधीनगर। पदों की संख्या है 8, पद का नाम है विभिन्न पद। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 13 मई 2019। आवेदक की आयु 18 से 23 होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रूरल मैनेजमेंट सोशल वर्क इकोनॉमिक में पोस्ट ग्रेजुएशन MBA के साथ 4 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए। अन्य पदों के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरी नौकरी जो है वह है BSF में। जी हाँ, अगर आप BSF ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। स्थान का नाम है BSF। पदों की संख्या है 1072। पद का नाम है हेड कांस्टेबल। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 12 जून 2019। आवेदक की आयु 18 से 25 होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और अंतिम चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आज की आखिरी जो बम्पर न्यूज़ है वो है इंडियन नेवी SSC ऑफिसर। जी हाँ, यहाँ पे पदों की संख्या 121 है। पद का नाम है SSC नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन कैडर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से 18 मई से 29 मई के बीच आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता SSC पायलट AICTE मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कम 60% अंकों के साथ BE या BTEC होना चाहिए। जानकारी के विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।